जजाक अल्लाह। और अब प्रोग्राम के आखिरी चंद लम्हात में हम अतीक हयात साहब जो कि कनाडा से हमें फ़ोन कर रहे हैं उनसे बात करेंगे। जी अतीक हयात साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जनाब अभी ना मैं सुन रहा था तो मुझे शायद ऐसी समझ आई थी कि मीर साहब ने बोला था कि हर नबूवत आती है तो उसके बाद हलाफत आती है, तो ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। तो मेरा ये सवाल था कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तो हलाफत आई, तो उससे पहले की ऐसी मसाहत के जैसे नबी आए हों और उनके बाद हलाफत चली हो, और सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि जैसे हजरत ईसा हैं उनके बाद भी हलाफत नहीं आई, जी। और ये था कि और दूसरा ये था कि जैसे जब हजरत मसीह मौत थे तो उस टाइम हलाफत उस्मानिया भी थी, तो उसका भी स्टेटस बता दें कि जो हलाफत उस्मानिया का स्टेटस ठीक था है, ये जो ठीक है जी, ठीक है अतीक हयात साहब, जो खिलाफत उस्मानिया मौजूदगी और उसके स्टेटस वाली बात है ये तफसील चाहती है। तताउल मुजीब साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि जो नबूवत के बाद खिलाफत वाली बात है उसका अगर मुख्तसर जवाब दे दें, फिर हमें प्रोग्राम क्लोज करना है आज का। बात यह है कि नबूवत के बाद खिलाफत का जो हदीस में जिक्र आता है और उसका मैं हवाला भी आपको दे देता हूँ। ये हदीस जो है ये मजमा उल जवायद में है और बेरूत से किताब शाया हुई है, अली बिन अबी बकर अल हसमी की किताब है, तो उसमें ये हदीस मरवी है। तो इसका मफहूम इस कदर है कि अल्लाह ताला जब किसी नबी को भेजता है तो नबी के सुपुर्द एक मिशन और एक काम होता है, और नबी भी चूंकि एक इंसान होता है और उसकी ज़िंदगी महदूद होती है तो उसका जो मकसद है वो उसकी बुनियादें कायम हो जाती हैं, मकसद वाज़े कर दिया जाता है, मकसद फैलता है जिस हद तक उस वक्त हालात के लिहाज से मुमकिन होता है, उसका पैगाम फैलता है, लेकिन तकमील उसकी बात सूरतों में नहीं होती। तो उसके बाद फिर जब नियाबत में आए, खिलाफत का निज़ाम कायम होता है, तो उसी नबी के बाद आने वाले उसके खुलफा या उसके बाद अगर और अम्बिया का सिलसिला है जैसा कि पहले के मज़ाहिब में नज़र आता है, तो वो फिर उस काम को आगे जारी रखते हैं और तकमील करते हैं। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी देखें दीन कामिल आपको अता किया गया, आपने उसको दुनिया में कायम किया, दुनिया में फैलाया, लेकिन दुनिया तो आगे तरक्की करती चली जा रही है, तो दुनिया के कोने कोने तक पैगाम पहुंचाने के लिए खिलाफत के निज़ाम की ज़रूरत है, और उसी का तसलसल है जो अल्लाह ताला के फल से जमात अहमदिया में खिलाफत की सूरत में कायम किया गया। बहुत शुक्रिया।